अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं मद्रास अस्सलामु अलैकुम। आज आप भी ठीक होंगे। अम्मी जोर से बोलो अस्सलामु अलैकुम। आज हम भी खैरियत से हैं, आप भी खैरियत से होंगी। आज हम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं दालचा। दालचा ये कौन सी डिश होती है? दालचा मद्रास वाली दालचा बनाते हैं, खट्टा पानी बनाते हैं और चावल। हाँ। और बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये मतलब आपने कहाँ से सीखा ये दालचा बनाना? हमारी अम्मी बनवाती थी और हमारी अम्मी को बहुत शौक था और हम खाते थे। अच्छा तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग तो है अम्मी ने कर दी थी। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शाइस्ट की दुनिया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आती हैं और अम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है, तो अम्मी से हम भी सब सीख रहे हैं अब। तो अम्मी आज बनाने वाली है दालचा और चावल और उसके साथ खट्टा पानी। खट्टा पानी तो बहुत टेस्टी लगता है और गर्मियों में ये खाना इतना खाया जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ये खाना। तो आइए देखिए अम्मी किस तरीके से वो बना रही हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे बनता है। और जितने भी सब लोग जानते होंगे अम्मी की मतलब मेरी नानी को, तो वो इस ब्लॉग को देख के बहुत खुश होंगे क्योंकि जो साउथ इंडियन फूड है ये वाला, ये फूड हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाया जाता है और इसको देख के आप लोग भी बनाइएगा अपने यहाँ पर। तो ये अम्मी ने ली है लौकी और ये है कौन सी दाल डाल रहे हो उसमें? अरहर की दाल। ये इमली की मतलब खट्टा पानी के लिए इमली भी भिगो कर रख दी है। मतलब एक प्याज अच्छा लगता है। हल्दी डाल दे, लाल मिर्ची, नमक। तो ये रेडी हो गई है, अब इसमें डालेगा ये गरम पानी। अभी ये घुटेगा इससे लकड़ी के डोबे से। खट्टे पानी के लिए पीसी है चटनी। तो अभी बन रहा है खाना और सब लोग बैठे हुए हैं। अनस भी आज हॉलिडे है तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ नमाज। तो ये बघार के लिए है प्याज, लहसुन, करी पत्ता एंड लाल वाली मिर्ची और तेल गरम। मेन होता है वो होता है तड़का। तो ये तड़के के लिए हमें डाल रही है जिसमें घी। खट्टा पानी, खट्टे पानी के लिए तड़के लग रहा है इसमें, तो इसमें लिया है सबसे पहले तेल। छींक आ रही है। राई और ये बस एक खद्दा लगाना है इसमें जैसे उबाल लगता होगा। नमक। तो बघार जब लगता है किचन में छींकें आती हैं बहुत ज्यादा, ऐसी मुझे आ रही है छींकें। ये है दालचा, दालचा एंड चावल। ये है खट्टा पानी, ये मद्रास का फेमस। इसको टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्टी है। बड़ी माँ की याद आ गई एकदम, जैसे वो खाती थी। ये खट्टा पानी है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, एकदम टेस्टी। वो तो इसको वैसे भी मतलब खा सकते हैं। और ये है दालचा ऊपर से और ये चावल, तो इसको इसके साथ मिक्स करके खाया जाता है। ये ऐसे देखती हूँ कैसा बना है, बहुत यम्मी है और तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुंबई गए थे आज खट्टा पानी है ना। और कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, टेस्टी है ना। हम तो एक साथ को कैसा लग रहा है? बहुत
मतलब ये खट्टा होता है, साउथ इंडियन फूड है, तो साउथ इंडियन फूड में तो ज्यादातर इमली वगैरह ही डलती है। बहुत चटपटा हो रहा है, एकदम स्पाइसी। ये जो खट्टा पानी है इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, यानी 10 दिन तक भी खा सकते हैं। तो ये चावलों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। डाम पे नहाती थी तुम? नहीं, डाम नहीं, जोड़ा था। जोड़े में इतने बड़े सांप रहते हैं। जोड़ा था, मैं भूल गई थी एक बार, तो उन्होंने रुखसाना ने निकाली थी मुझे। रुखसाना कौन? मेहंदी। हमने कभी नहीं नहाई अम्मी, मुझे भी नहाना है डाम पे। नहीं, वे खत्म हो गया। तो बहुत ही अच्छा खाना था, खाना वगैरह सबने खा लिया है, अभी थोड़ा सा करेंगे आराम। तो अभी मैंने अनस से मंगवाए हैं गोलगप्पे, ये लेकर आए हैं गोलगप्पे, देखिए। तो जो खट्टा पानी अभी जो हमने बनाया था दोपहर में, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ गोलगप्पे, क्योंकि हम इसको गोलगप्पे के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें मैंने अब डाल दिया तेल, और उसके बाद मैं तेल गर्म करने के लिए रखूंगी। अब मैं उसके बाद गोलगप्पे तलूंगी। इसमें डाली मैंने रेड वाली चटनी, देन उसके बाद मैंने लिया है ये पानी। पानी वैसे मैं थोड़ा कम ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है ये। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है इसका। जो हम गोलगप्पे का पानी बनाते हैं घर में, बाहर भी हम खाते हैं गोलगप्पे, उसका पानी अच्छा होता है। और ये चटनी जो थी रेड वाली, ये ईद पे बनाई थी, मतलब दही बड़ों के साथ, तो ये इसमें काम आ गई। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। तो आप भी ये खट्टा पानी घर में बनाएं और गोलगप्पे मंगवाएं और मज़े से खाएं, तो फैमिली के साथ एंजॉय। शुरू होने वाला था, कपिल जी मेरे पास है, मैंने कहा यार, अब मैं रो पड़ा, और रोते हुए तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरा रोल कट चुका। A few moments later, ये देखो यहाँ पे चल रही है इनकी प्रेस। और थोड़ा सा तेल भी डालो अभी, थोड़ा सा नमक डलेगा, थोड़ा सा तेल। अच्छी बनाई आलिया, फर्स्ट टाइम तुमने मांगी। थैंक यू, वेलकम, यू कम कम। और है ना अभी आम, मम्मी आम गिरा लेती है, तुम देखो अब भी गिरा दिया, अब भी गिरा लिया, खाते हैं गिराती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी मैंने निकाली है अपनी मशीन, और क्योंकि ये जब रमज़ान थे, रमज़ान में सिर्फ मैंने मशीन, मतलब रमज़ान के बाद से आप कपड़े सिलूंगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से घर में काम चल रहा था, तो मशीन से मैंने मतलब कपड़े वगैरह नहीं सिल पा रही थी मैं। तो उसके बाद अभी आज मैंने काटा है अपना ये कमीज़ एंड प्लाजो, तो इसका कलर भी बहुत प्यारा है लीलन में, तो मैं इसकी कटिंग की है। अभी मैं इसको सिलूंगी और मशीन भी ठीक करवा के लाई है अम्मी से, मैंने तेल वगैरह लगाया है। ईशा की नमाज भी हो गई है, अनस भी आने वाले हैं, अनस 10:30 बजे आते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों के साथ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।